जय दोस्तों, अभी हम अपने गांव के एक ऐसे जगह पर आ गए हैं जो कभी हमारे गांव की शान हुआ करते थे, हमारे गांव का धरोहर थे, जिसका नाम है खादी भंडार। एक समय ऐसा था कि जब पूरे एरिया में कहीं भी राशन नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, गांधी जी का बनाया हुआ खादी का कपड़ा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलता था, किरासन तेल नहीं मिलता था, तो वो इस खादी भंडार में मिलते थे। यानी पूरे गांव का एक धरोहर समझिए, शान समझिए, वो खादी भंडार। और अभी ही इस खादी भंडार का हालात हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से खंडर हो गया है, वो जाने में भी डर लगता है। तो देखिए दोस्तों, यही है हमारे गांव का धरोहर खादी भंडार, जो एक समय में हमारे गांव का शान हुआ करते थे, धरोहर हुआ करता था खादी भंडार। अभी इस खादी भंडार का हालात देखिए कितना खंडर हो गया है, इसके अंदर में जाने से भी डर लगता है। इस जगह पर पढ़ाई हुआ करता था, देखिए इस जगह पर राशन मिलते थे, जो कहीं खाना नहीं मिलता था बच्चों को तो यहाँ मुफ्त में खाना मिलता था। यहाँ पर खादी का, गांधी जी का बनाया हुआ खादी का जो कपड़ा है वो कपड़ा मिला करता था। इस जगह पर देखिए यहाँ तिरंगा झंडा फहराया करते थे 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। अभी इस खादी भंडार का हालात देखिए, यहाँ कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, और कितना जंगल है आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर जाने में भी डर लगता है, क्योंकि इसके अंदर जंगल की वजह से कोबरा सांप हो सकते हैं, हमारे इधर देसी भाषा में गेहूँवन बोलते हैं, वो सांप हो सकते हैं। और ये 100% है कि होगा ही। इसलिए देखिए जिस जगह पर यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर में झंडा फहराया करते थे, उस जगह पर अभी लोग बैठकर गांजा का अड्डा बना दिए हैं, गांजा पी रहे हैं। ये देखिए इस जगह पर लोग लेट्रिन बाथरूम कर देते हैं, आप देख ही रहे हैं। जिस जगह जो कभी हमारे गांव का शान हुआ करते थे, धरोहर हुआ करता था, जहां पर लोग बारात ठहरते थे लोगों का, उस जगह का हालात देखिए। यहां आपको लगता है कि आप कभी आ सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। यहां इतना साफ सुथरा रहा करता था, देखिए जिस जगह पर झंडा फहराया करता उस जगह पर लोग लेट्रिन कर दिया गया है। देख रहे लोग यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहना, वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब है कि आप लोग से भी ये कहना है कि अगर आप लोगों के गांव में भी कोई इस तरीके का सरकारी संपत्ति हो या कोई धरोहर हो तो उसको बचा कर रखें, क्योंकि वो आपके गांव की शान है, आन बान शान है, वो आपका धरोहर है, वो आपकी संपत्ति है, आपको इसका देखभाल करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इस खादी भंडार में बहुत कुछ ऐसे हैं जो शायद आप नहीं जानते। देखिए ये खादी भंडार का दरवाज़ा है, और हमारे इस खादी भंडार में वर्षा मापी यंत्र भी हुआ करता था, जो यानी कब कितना वर्षा होगा, कितना तेज वर्षा होगा, कहां कहां वर्षा होगा, किस एरिया में वर्षा होगा, कब तक वर्षा होगा, कब से शुरू होगा, ये सब चीज़ इस हमारे गांव के खादी भंडार में हुआ करता था, जांच उसका यंत्र है। आइए हम आपको वो सब भी दिखाएंगे। तो देखिए ये हमारे खादी भंडार का नज़ारा है। तो हम, मेरा जो कहना है, वर्षा मापी यंत्र भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ है, चाहे कितने भी जंगल में जाना पड़े हम जाकर आपको दिखाएंगे। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस खंडर को आप लोग बचा कर रखें, ये खंडर नहीं है, ये आप लोगों का धरोहर है, आप लोग अपनी संपत्ति है। ये खादी भंडार का दक्षिण साइड से आपको दिखाया गया तस्वीर है, अब पीछे साइड से भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो इस खादी भंडार के हम पीछा से दिखा रहे थे, पीछा से देखिए केहन खंडर भ गया, खिड़की दरवाजा सब कुछ लोग खोल के लो गई, कुछ नहीं है, तो सब खराब भ गया, सब सड़ गया। देखिए यही है स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ करता था। अब इसके अंदर देखिए कितना सा जंगल लग गया है। देखिए यह है वर्षा मापी यंत्र, यहाँ सब कुछ था। अभी शायद आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, देखिए ये यंत्र हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा। देखिए इसके अंदर यही यंत्र लगा हुआ है, वर्षा मापी यंत्र, ये हमारे गांव का खादी भंडार में ये सब कुछ है। पर इस तरीका का धरोहर का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखता, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखता। अब ये धरोहर देखिए कि किस तरीका से ये खंडर बन चुका है, यहाँ कब कौन आकर क्या कर जाता है। यहाँ पर हमें लगता है कि लोग लोंडियाबाजी भी करते हैं, लोग अंधेरा है, सुनसान जगह है, खंडर है, जंगल है, कोई यहाँ आता जाता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, कोई लड़का को लड़की को लेकर यहाँ आकर कुछ अवैध संबंध बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ गांजा का अड्डा जो बना दिया है, तो इसमें ये लड़की लाना या दारू शराब लाकर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी हो सकता होगा। देखिए हम ये नहीं कहते कि होता है, होता होगा,
क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पर ही दारू रखा जाता है, गांजा रखा जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस जगह पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि लोगों को, शरीफ आदमी को, आम आदमी को आने में डर लगता है, तो जो लोग ऐसा कर्म करते हैं उसी को यहाँ आना जाना रहता है। तो चलिए आप लोगों से विनती और निवेदन भी है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके गांव में या किसी और के गांव में या किसी और जगह पर किसी एरिया में अगर इस तरीका का कोई संपत्ति हो तो उसको खंडर बनने से रोके, उसको साफ सुथरा रखे, उससे आपका ही लाभ होगा और आपका ही फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, अपना राय कमेंट में ज़रूर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों के पास ऐसा हो तो वो भी उसको साफ सुथरा रखे। जय हिंद।